लंबे समय बाद विकास खंड में कोरोना की दस्तक हो गई है। शनिवार को आरटीपीसीआर लैब की रिपोर्ट में पांडुरना में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हालांकि जिस संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो मुलताई के घाट बिरोली का रहने वाला है। बीएमओ डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े ने बताया कि मुलताई तहसीलदार को इस बात की सूचना दे दी गई है। वे मरीज की देखभाल कर रहे हैं। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन घाट बिरोली का रहने वाले होने की जानकारी होने के बाद सांस में सांस आई है। एक ओर जहां पूरे जिले में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन अस्पताल की सुविधाओं को व्यापक बनाने में जुट गया है। कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर SDM RR पांडे और BMO डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने पर जोर दिया है। वार्डो में बेड की स्थिति और ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच और उपचार संबंधी कार्य योजना अधिकारियों ने बनाई। अस्पताल के ICU तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाइयां, रेमडेसिविर की उपलब्धता के साथ ही अस्पताल प्रबंधन अब एक्शन मोड में दिख रहा है। कोविड अस्पताल में 108 बेड पर ऑक्सीजन और 10 ICU बेड होने की बात घोषित की गई है। इसी के साथ एक भी मरीज भर्ती होता है तो उसके लिए स्टाफ ड्यूटी का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। BCN न्यूज़ पांडुरना के लिए जितेंद्र अतकरी की रिपोर्ट। BCN न्यूज़ पांडुरना को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज़ पांडुरना को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।